Investors, welcome to SOIC. So in today's session, we'll be analyzing two very interesting books. The name of those books is Capital Accounts and Capital Returns. So Capital Account and Capital Returns basically compilation hai Marathon Asset Management ke letters ka. And ye letters Edward Chancellor ne compile kare. And in the books mein ek bahut interesting mental model discuss kare. इस मेंटल मॉडल का क्या नाम है द वर्किंग्स ऑफ अ कैपिटल साइकिल कि ये कैपिटल साइकिल वर्क कैसे करती है तो बिफोर रीडिंग दिस बुक एंड एवर सिंस द बिगनिंग ऑफ अ जर्नी इन इन्वेस्टिंग वी ऑफन यूज टू वंडर कि कुछ कुछ सेक्टर्स साइक्लिकल क्यों हैं एंड कुछ कुछ सेक्टर्स स्ट्रक्चरल क्यों हैं क्यों कुछ कुछ प्लेयर्स बहुत ज्यादा साइक्लिकलिटी एलिमेंट दिखाते हैं जैसे कोई अगर हम माइनिंग कंपनीज की बात करते हैं रियल एस्टेट कंपनीज की बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात करते हैं यहाँ तक हॉस्पिटल बिजनेस होटल बिजनेस या जो भी टूरिज्म बिजनेस है अगर हम इसकी बात करते हैं मोर ओवर अगर हम एविएशन बिजनेस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज डिस्प्ले साइक्लिकलिटी इन देयर स्टॉक रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग पीरियड एज वेल एंड कुछ कुछ कंपनीज इनमें से कभी भी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टाइम में दे ही नहीं पाती क्योंकि हमेशा इनका जो ROCE है दैट रिमेन्स बिलो देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी कभी शायद से बीच में ऊपर जाएगा बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वहां पे फंस जाते हैं जैसे ग्रेफाइट इंडिया और HEG में हुआ था एकदम जब ROCE इतनी ज्यादा विशियस साइकिल थी कि ROCE आपका 70-80-90% तक चला गया था एंड जैसी साइकिल टर्न हुई ROCE अगेन वापस नीचे आ गया तो द सिंपल आंसर लाइज इन असेसिंग द सप्लाई साइड ऑफ दीज कंपनीज तो कैपिटल साइकिल हमें जो सप्लाई साइड है उसको असेस करने के लिए बोलती है सो दिस इज आवर टिपिकल कैपिटल साइकिल वर्क्स अकॉर्डिंग टू द बुक इन द फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टर्स गेट बुलिश एंड मोर कैपिटल स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द बिजनेस देन व्हाट हैपेंस इन द सेकंड स्टेज इज क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल उस सेक्टर के अंदर जा रहे हैं या उस इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं तो प्लेयर्स वहां पे बढ़ जाएंगे एंड सप्लाई साइड पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ गया है तो प्रॉफिट पूल काफी लोगों के बीच में डिवाइड हो जाएगा एंड कभी कभी क्या होता है कि जब इरेशनल कॉम्पिटिशन आता है तो प्रॉफिट पूल उस इंडस्ट्री का एकदम ही खत्म हो जाता है विच लीड्स टू द थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज इज बेसिकली जो भी इनफिशियंट प्लेयर्स हैं दे हैव टू एग्जिट द मार्केट एंड इन्वेस्टर्स स्टार्ट लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर नहीं आ पाता जो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल है हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नीचे ही रहता है देन वॉट हैपन्स इन द फोर्थ स्टेज इज इवेंचुअली कंसोलिडेशन स्टार्ट्स हैपनिंग कि जो एफिशियंट प्लेयर्स ही रह गए हैं सिर्फ वही प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करते हैं एंड क्योंकि अब सप्लाई साइड पे कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है क्यों जो एफिशियंट प्लेयर्स हैं दे स्टार्ट मेकिंग गुड रिटर्न्स ऑन द कैपिटल देन अगेन ये जो पूरी साइकिल है वापस चलने लग जाती है इन द सेम फैशन एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इन कैपिटलिज्म एक्सपीरियंस दीज कैपिटल साइकिल्स क्योंकि जो मोटेड बिजनेसेस की बात करते हैं जिनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है दे आर मोर ऑफ एन एक्सेप्शन रादर देन द नॉर्म आप बेसिकली नॉट मोर देन 30-40-50 कंपनीज इन लास्ट 2-3 डेकेड्स हैव कंसिस्टेंटली क्रिएटेड वेल्थ बिकॉज द रीजन लाइज इन कैपिटल साइकिल्स कैपिटलिज्म का एसेंस क्या है The essence of capitalism lies in free market economy. कोई भी आके आपके साइड पे दुकान लगा के आपसे कंपीट कर सकता है ये है कैपिटलिज्म का मतलब एंड क्योंकि हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं तो जो मोटेड बिजनेसेस हैं जहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत टॉल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन केसेस में होते हैं इतना ज़्यादा नॉर्म नहीं है रादर देन दे आर फाउंड इन वेरी एक्सेप्शनल केसेस सो दिस इज हाउ द वर्किंग ऑफ अ कैपिटल साइकिल लुक्स लाइक सो लेट्स लुक एट द स्टोरी ऑफ राहुल एंड हिज स्मॉल बिजनेस तो राहुल ने क्या करा कि कीर्ति नगर में उसने एक कपड़े की दुकान खोली एंड क्योंकि वहां पे और कोई कपड़े की दुकान नहीं थी दूर दूर तक तो व्हाट हैपेंड वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज बिजनेस क्योंकि सप्लाई साइड पे कोई कंपटीशन नहीं था अगेन दिस इज अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्योंकि सप्लाई साइड पे कोई कंपटीशन नहीं था तो राहुल वाज मेकिंग वेरी गुड रिटर्न्स ऑन कैपिटल अगर हम एक एस्टिमेट लेते हैं तो राहुल ने उस बिजनेस के अंदर 1 lakh rupees इन्वेस्ट करे थे एंड 1 lakh rupees के इन्वेस्टेड कैपिटल पे राहुल वाज मेकिंग 80,000 rupees तो नियरली 80% राहुल ROIC कमा रहा था पर हुआ क्या क्योंकि राहुल बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था या बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कर रहा था व्हाट हैपेंड उसको देख के 20 लोगों ने और आके वहां पे दुकान लगा ली क्योंकि 20 लोग और आ गए एंड सप्लाई साइड पे बहुत ज्यादा एकदम फ्रेगमेंटेशन हो गई क्योंकि पहले क्या हो रहा था जिस इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करना कि पहले एक ही बंदे के हाथ में प्रॉफिट पूल था अब 20 बंदे और आ गए और जो 20 प्लेयर नए और आए हैं उनके हाथ में प्रॉफिट पूल बढ़ गया
So what this leads to is fragmentation of the industry and fragmentation of the profit pool. तो eventually what happens, जब हम अब second stage में आ गए, तब हम third stage में जाते हैं. Third stage में क्या होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा competition हो गया है, तो काफ़ी सारे players का जो return on capital employed है या ROIC है, that will fall below their cost of capital. Hypothetically, काफ़ी सारे businesses में ऐसा होता भी है. तो उससे क्या आएगा कि जो भी inefficient players थे, they will go bust और they will eventually quit the market. That will lead us to the fourth stage in the capital cycle. That is consolidation of the existing players. And क्योंकि अब market consolidate हो गई है, तो वापस जो supply side है, वहाँ पे profit pool 3 या 4 लोगों के हाथ में ही रह जाता है. So this is what again leads to higher returns on invested capital. So this is how a capital cycle works in a business. So this is a basic premise of the book, and following are our 5 key learnings from capital cycle and capital accounts, and हमने Indian जो listed businesses है उनमें capital cycle को apply करके भी देखा है. The first key lesson from the working of capital returns is that understand how the supplier side evolves over time and the role it plays in determining both industry and individual returns on capital. Second key lesson is acquiring stocks in companies which defy mean reversion. तो पहले हम इन दो की lessons की बात करते हैं. तो coming to the first key lesson of looking at the supplier side. तो कैपिटल अकाउंट के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि इन द 90s जो भी फाइबर ऑप्टिक कंपनीज थी यूएस के अंदर, वहां पे एक बहुत ज्यादा बूम चल रहा था. तो जस्ट फॉर एन एस्टिमेट, बिटवीन 1997 टू 2000 व्हाट हैपेंड वाज, इतना ज्यादा कैपेक्स हो गया फाइबर ऑप्टिक बिजनेस में कि 100 फोल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई होगी विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 years, क्योंकि लोग सोच रहे थे डिमांड इतनी तेजी से बढ़ेगी. बट प्रॉब्लम विद लॉन्ग टर्म फोरकास्ट ऑफ डिमांड इज कि दे जस्ट रिमेन फोरकास्ट, एंड फोरकास्ट इज बेटर लेफ्ट टू स्टोरी टेलर्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म फोरकास्ट में कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आ जाती है कि इतना सा भी वेरिएबल इधर उधर हो गया तो आपका पूरा फोरकास्ट कोलैप्स हो जाएगा. तो जस्ट फॉर एन एस्टिमेट, इन 2002 व्हाट हैपेंड वाज, जो होलसेल टेलीकॉम प्राइसेस थे, दे वर एट 70% लोअर देन 1990s. एंड मोर ओवर वॉट हैपेंड वॉज कि सिर्फ 5% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही थी टेलीकॉम प्लेयर्स की, एंड मेनी ऑफ दीज बिजनेसेस वेंट बस्ट. एक बिजनेस का एग्जाम्पल भी दिया था जिसके पास $22 billion के एसेट थे, एंड वेन इट वॉज सोल्ड इन बैंक्रप्सी, इट वॉज ओनली सोल्ड फॉर $500 million, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर डिमांड ही नहीं था उनके एसेट्स का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक वॉज लाइंग अनयूटिलाइज. In Indian context, we can take the example of HEG and Graphite India, which at peak of the cycle were making operating margins which were more than 80%. And in businesses में हम अगर past को जाके अच्छे से पढ़ लें, last 10-15 साल की history को ही पढ़ लें, तो हमें पता लग जाता है these are very businesses which are very prone to cyclicality. And at the peak of the cycle, maybe in 2017 or 2018, HEG announced the capex to expand the capacities. And not only HEG announced the capex, जो world over जितने भी graphite electrodes के player थे, सब ने capex announce करा था. Similar capital cycle played out in Sterlite Technologies. Sterlite Technologies में बहुत अच्छा लोगों ने narrative बनाया कि 3G है, 4G है, again expansion हो रहा है, हर जगह लोगों को internet का addiction हो रखा है. But what they failed to realize is कि जो भी existing players हैं इस industry में, I think 14 to 15 existing players हैं, all of them can expand the capacities. And whenever capacity expansion plays out, and whenever the prices fall, तो मार्केट इन कंपनीज को हमेशा सेम ब्रश से पेंट करेगी, दैट इज द ब्रश ऑफ cyclicality. एंड जैसे ही cyclicality के ब्रश से पेंट किया जाता है, योर valuation मल्टीपल्स जस्ट कोलैप्स, दे लिटरली कोलैप्स. तो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट, वेदर दीज मार्जिन्स विल सस्टेन, वेदर द प्रोडक्ट प्राइसेस विल सस्टेन, वेदर द कैश फ्लोज विल सस्टेन और नॉट. बिकॉज कैपिटल साइकिल के अगर आप रॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे बिजनेस में घुस गए जहां पे आपको लगता है कि इनका अर्निंग्स ग्रोथ एंड एवरीथिंग वुड बी स्ट्रक्चरल, तो यू आर सेटिंग अप योरसेल्फ फॉर परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल. क्योंकि कोई बिजनेस 60-70% नीचे चला जाए इन स्टॉक प्राइस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड सच वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड सच स्टॉक्स इन द लॉन्ग रन. Now coming to the second key lesson is that buying stocks in companies which defy mean reversion. अभी तो हमने mean reversion की बात करी थी Sterlite के केस में, and जो graphite electrode stocks हैं उनके केस में. अब कुछ stocks ऐसे हैं जिनमें mean reversion कभी play out ही नहीं करता. Mean reversion का मतलब क्या? Back to average.
जैसे जो HEG एंड ग्रेफाइट इंडिया के केस में क्या था, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन 80-85%, पर बैक टू एवरेज क्या था, सिंगल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन और समटाइम्स ऑपरेटिंग मार्जिन टर्न टू नेगेटिव, तो दिस वॉज बैक टू एवरेज जो वापस हो भी चुका है। रेन इंडस्ट्रीज के केस में मैनी पीपल वर वेरी बुलिश ऑन द कंपनी, बट अगेन रेन इंडस्ट्रीज मूव्स इन साइकिल्स बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे लिंक टू द एंड यूजर एप्लीकेशन। तो जब भी बिजनेस साइकिल नीचे जाती है तो दीज कंपनीज रिवर्ट बैक टू एवरेज एंड मार्केट इन बिजनेसेस को बहुत सेम ब्रश से ही पेंट करता है। तो सेकेंड लेसन में क्या है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर कंपनीज विच डिफाई मीन रिवर्जन, तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर रख सकते हैं एंड दे कैन कीप रीडिप्लॉइंग इंक्रीमेंटल कैपिटल एट हायर रेट्स ऑफ रिटर्न। इसमें बुक के अंदर जो कुछ बिजनेसेस थे, एक बार ही उनकी बात करते हैं। तो एक बुक में बिजनेस था विच इज अ केमिकल मैन्युफैक्चरर बाय द नेम ऑफ क्रोडा। सो व्हाट क्रोडा डज इज दैट क्रोडा इज अ केमिकल प्लेयर दैट इज लिस्टेड इन यूके एंड इट इज वेरी मच फोकस्ड ऑन इनोवेशन, कि नीच केमिकल्स में आके इनोवेशन करते हैं एंड अगेन उन केमिकल्स का जो टेक्निकल नोहाव है इनके पास रहते हैं, जो कस्टमर के साथ रिलेशन है काफी लंबे समय के लिए मेंटेन करते हैं। तो सिमिलरली इन्होंने एक ऐसा केमिकल था जिसका नाम है मैट्रिक्सिल करके, जिन्होंने इसमें इनोवेशन करी एंड मोर ओवर इनोवेशन करने के बाद दिस केमिकल इज बेसिकली यूज इन एंटी एजिंग क्रीम्स। तो एंटी एजिंग क्रीम्स में इस केमिकल का यूसेज है एंड क्रोडा अर्न्स अ माइंड बॉगलिंग मार्जिन ऑफ 90% इन दिस केमिकल बिकॉज दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन इनोवेशन। रिसेंटली वी वर रीडिंग दिस कंपनी बाय द नेम ऑफ गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, तो वहां पे भी वी केम टू नो अबाउट दिस कंपनी क्रोडा एंड इवन इन द सर्फेक्टेंट सेगमेंट दे हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ इनोवेशन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, वन कंपनी विच क्रोडा रिमाइंड्स मी ऑफ इज विनीति ऑर्गेनिक्स। तो विनीति ऑर्गेनिक्स में भी हमने देखा था कि कैसे इन्होंने ATBS का प्रोसेस पेटेंट लिया था NCL पुणे से एंड ATBS में कैसे इन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। तो जस्ट एन एस्टिमेट, अगर विनीति ऑर्गेनिक्स का आज टोटल कंपनी लेवल ROCE 36% है, जिसमें से अगर ATBS का सेल्स 57-58% है, वेरियस बाकी बिजनेसेस का ROCE 20-22% है, तो ATBS जो ऑयल रिकवरी और हर चीज में यूज होता है इन एप्लीकेशंस में, वहां पे भी विनीति ऑर्गेनिक्स मस्ट बी मेकिंग ROCE एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स अबव 40-45%। अगर किसी को विनीति ऑर्गेनिक्स का डिटेल रिव्यू देखना है तो हमने विनीति ऑर्गेनिक्स की भी वीडियो बनाई थी, आप उसमें देख सकते हैं। तो अगेन लुकिंग एट कंपनीज विच कैन इनोवेट इन नीश एरियाज, सेकेंड सच बिजनेस विच हैज बीन डिस्कस्ड इन द बुक इज दैट ऑफ एनालॉग सेमीकंडक्टर्स। तो दो तरीके के सेमीकंडक्टर बिजनेस हैं, एक तो एनालॉग सेमीकंडक्टर है एंड द अदर वन इज द सेमीकंडक्टर बिजनेस विच इज यूज इन अ लॉट ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस। तो जो सेकंड टाइप का सेमीकंडक्टर बिजनेस है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल साइकिल के बूम्स एंड बस्ट प्ले आउट करते हैं। मेरा जो एनालॉग सेमीकंडक्टर बिजनेस है, यहाँ पे दो कंपनीज हैं, फर्स्ट इज बाय द नेम ऑफ एनालॉग सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज बाय द नेम ऑफ लीनियर टेक्नोलॉजीज। तो एनालॉग सेमीकंडक्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर मोर देन 50%, जो लीनियर टेक्नोलॉजीज है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज मोर देन 70%। आई थिंक बोथ द कंपनीज हैव बीन मर्ज्ड रिसेंटली एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज क्या है कि यहाँ पे क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है इस सेमीकंडक्टर बिजनेस में। फर्स्ट वन इज कि सप्लाई साइड पे बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं एंड इसके पीछे का क्या रीजन है कि जो सेमीकंडक्टर के इंजीनियर्स आते हैं, दे प्रेफर टू डू सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग दैट टू फॉर द अदर सेगमेंट, एनालॉग वाले सेगमेंट में बहुत कम लोग आते हैं। एंड सेकेंड यहाँ पे क्या रीजन है कि इनका जो यूसेज है दैट इज मेंट फॉर रियल लाइफ एप्लीकेशन पर्पस। सेकेंड, दीज आर यूज एज सेंसर इन एयरबैग्स एंड मोर ओवर जो आपके जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का सेंसर है ऑटोमेशन की मशीन्स में, उसमें भी एनालॉग सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज प्रोडक्ट्स हैव अ क्रिटिकल एप्लीकेशन, कि अगर ये प्रोडक्ट्स फेल हो गए तो जो एंड प्रोडक्ट है उसका एप्लीकेशन कभी आ ही नहीं पाएगा, वो अच्छे से यूज ही नहीं हो पाएगा। So this reminds me of a business of two businesses which are there in India. One is Alkyl Amines and second is Garhwara Technical Fibers. Now both of these companies have this mental model applied to their business model, that of critical application. Critical application का मतलब क्या है कि आपका product is
इज यूज इन अ बी टू बी बिजनेस बेसिकली, एंड वहां पे अगर आपके प्रोडक्ट का फेलियर हो जाए तो जो बी टू बी पार्टनर का एंड यूसेज है वो उस फंक्शन को कैरी आउट ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल गरवारे टेक्निकल फाइबर के केस में अगर कोई ट्रॉलर या जो भी डीप सी फिशिंग करने जाते हैं अपनी फिश ट्रॉलर्स को लेके, एंड वहां पे उनका जो नेट है वही फट जाता है, तो व्हाट विल हैपन इज कि एक ट्रिप का कॉस्ट इज $1 million समवेयर क्लोज टू 7 to 7.5 crores, तो आपकी पूरी ट्रिप का कॉस्ट ही फेल हो जाएगा। दिस इज वाई दीज बिजनेसेस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन नेचर। जैसे गरवारे के केस में 5 to 8% जो शिपिंग का कॉस्ट है दैट इज स्पेंट इन नेट्स एंड रोप्स। वैसे एल्काइल अमाइंस के केस में क्या है कि जो ये अमाइंस मैन्युफैक्चर करते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट 6 to 8% ऑफ द एंड यूसेज, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स। अगर अमाइंस की क्वालिटी में खराबी है या अमाइंस अच्छी क्वालिटी के नहीं मैन्युफैक्चर हो रहे, सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट रिकॉल्स। सो दिस इज वाई बोथ ऑफ दीज कंपनीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे हैव अप्लाइड द मेंटल मॉडल ऑफ क्रिटिकल एप्लीकेशन इन देयर बिजनेस मॉडल्स। फाइन ऑर्गेनिक्स इज अनदर कंपनी विच हैज अप्लाइड द सेम मेंटल मॉडल इन देयर बिजनेस एज वेल। सो दीज वर द टू बिजनेस, दीज वर द टू एग्जाम्पल्स विच कैन बी अप्लाइड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एंड थर्ड, कमिंग टू द थर्ड वन इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, जो एंड यूजर है वो अपने जो उनका परचेज डिसीजन है दैट डिपेंड्स अपॉन एन एजेंट। एजेंट इज बेसिकली द इंटरमीडियरी इन बिटवीन। तो यहाँ पे एक इन्होंने बुक में बात करी है ऑफ अ स्विस सैनिटरी वेयर मैन्युफैक्चर बाय द नेम ऑफ जिबरेट। तो जिबरेट हैज बीन एबल टू मेंटेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मोर देन 20% इन द लास्ट 5 years। एंड ये लोग ऐसा डिफरेंट क्या कर रहे हैं कि इन्होंने होलसेलर और प्लम्बर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रखा है। कि व्हाट होलसेलर एंड प्लम्बर डू इज दैट दे कीप पासिंग ऑन द फीडबैक टू जिबरेट, एंड जिबरेट क्या करते रहते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स के साथ इनोवेशन करते रहते हैं। एंड सेकेंड थिंग व्हाट हैपन्स इज कि जिबरेट इनको इंसेंटिव भी काफी अच्छा देता है फॉर सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। तो दिस इज हाउ प्रिंसिपल एजेंट कॉन्सेप्ट गेट्स एस्टैब्लिश्ड इन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन केसेस में दिस रिमाइंड्स मी ऑफ 4 to 5 बिजनेसेस। वन इज एशियन पेंट्स विच हैज डन द सेम थिंग विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड द पेंटर्स। सेकेंड इज एस्ट्रल पॉलिटेक्निक जिसने प्लम्बर के माइंड शेयर को कैप्चर कर लिया है। थर्ड इज फेविकॉल। आप किसी भी कारपेंटर से पूछिए कि घर पे काम कराना है आप कौन सा वो लेके आएंगे ग्लू, तो हिज आंसर वुड बी फेविकॉल ओनली, राइट। एंड फोर्थ इज APL अपोलो। यू जस्ट टॉक टू एनी फैब्रिकेटर एंड द ब्रांड विच विल बी ऑन द टॉप ऑफ हिज माइंड इज APL अपोलो। वी हैव एक्चुअली डन दिस एक्सरसाइज अ कपल ऑफ टाइम्स। वी हैव टॉक टू 10-15 फैब्रिकेटर्स एंड 10-15 आर्किटेक्ट से भी बात हुई है, तो उनके दिमाग में अब APL अपोलो ही आता है इन टर्म फॉर रेफरिंग टू स्टील ट्यूब्स। तो अनदर प्रिंसिपल एजेंट का कॉन्सेप्ट प्लेज आउट इन सच बिजनेसेस एज वेल। सो कमिंग टू द लेसन 3, 4, and 5, सो द थर्ड लेसन टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज इन फैमिली लेड बिजनेसेस। तो हमने काफी बार ये मेंटल मॉडल सुना है कि द प्रमोटर शुड हैव स्किन इन द गेम, प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, बट कभी कभी फैमिली लेड बिजनेसेस में भी प्रॉब्लम आती है। एक बार उनका डिस्कशन करेंगे कौन सी आती है। फोर्थ लेसन टू बी ड्रॉन ऑफ इज द 7 sins ऑफ बैंकिंग। एंड द लास्ट लेसन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटीज दैट आर देयर बिटवीन चाइनीज PSUs एंड इंडियन PSUs विच वी एट SOIC लाइक टू कॉल इटर्नल मिस एलोकेटर्स ऑफ कैपिटल। Now coming to the third lesson of problems that can arise in family-led businesses, the first problem that can arise is a dispute. तो जो गुची फैमिली है, तो एक ब्रांड है बाय द नेम ऑफ गुची विच इज अ वेरी लग्जरी ब्रांड, बट उनके प्रमोटर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो गया था। एंड क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा था, दिस इज वाई दे कुडंट फोकस ऑन द बिजनेस, सो दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर इन द फैशन बिजनेस। एंड फाइनली द बिजनेस वॉज सोल्ड, राइट। एंड बिजनेस बिकने के बाद ही उनका जो मार्केट शेयर था वापस आना स्टार्ट हुआ। सेकेंडली, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन 2005 आफ्टर द डेथ ऑफ धीरूभाई अंबानी इन 2002 देयर वाज अ वॉर ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। एंड आई थिंक कोर्ट में केस भी हो गया था दोनों ब्रदर्स के बीच में बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट। एंड ओनली आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ देयर मदर द कंपनी का डीमर्जर हुआ था। एंड आई थिंक मुकेश अंबानी वॉज गिवन द ऑयल एंड गैस एसेट्स, वेरस अनिल अंबानी वॉज गिवन द टेलीकॉम एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड पावर एसेट्स ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल बिजनेस। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा डिस्प्यूट था क्योंकि फैमिली लेड बिजनेस था। Another dispute which is happening in one small cap today is by the name of Mayur Uniquoters. So Mayur Uniquoters is a very interesting business. They manufacture PVC and more or less it's a very very strong business with very good returns on capital. So yahan pe kya dispute hua hai, jo Suresh Kumar Podar hai, he runs the business in a different way.
Whereas जो मानव पोदार है, his son, who holds nearly 15% stake in the business, wants to run the business in a different way. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सुरेश कुमार पोदार इज मोर देन 70 इयर्स इन एज एंड उनकी एक बारी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है. वेरा जो मानव पोदार है वो उनके जो बेटे हैं, आई थिंक ही इज द ओनली सन ऑफ हिज एंड ही वॉन्ट्स टू रन द बिजनेस इन अ डिफरेंट वे. तो मानव पोदार ने बिजनेस एक बारी पहले भी बीच में क्विट कर दिया था एंड आफ्टर हिज फादर वॉज सीरियस इन हॉस्पिटल ही अगेन केम बैक टू द बिजनेस, बट अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ही क्विट द बिजनेस बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस. तो ऐसी स्टोरीज में कभी कभी क्या होता है कि सिंस बिजनेस इज एन ऑन गोइंग कंसर्न, तो अगर कोई प्रमोटर नहीं आता जिसका स्किन इन द गेम अच्छा हो, तो डिस्प्यूट की वजह से बिजनेस की पूरी स्टोरी ही डीरेल हो जाती है. बट अभी रिसेंटली उन्होंने कॉन कॉल में ये भी बताया कि दे आर ट्राइंग टू प्रोफेशनलाइज द मैनेजमेंट, मतलब ये एक सीईओ हायर कर रहे हैं यूएस से एंड मोर ओवर हिज सन इन लॉ इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन द बोर्ड. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट वेन डिस्प्यूट्स अराइजेज. सेकेंड प्रॉब्लम विच अराइज इन फैमिली लेड बिजनेसेस इज लॉस ऑफ बिजनेस एक्यूमेन, माने जो प्रमोटर था उसका बिजनेस से इंटरेस्ट ही हट जाए. सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ इंडैक रबर विच वॉज इन ट्रेडिंग ऑफ रबर एंड मोर ओवर ये बहुत एक नीच बिजनेस था एंड दिस बिजनेस वॉज ऑल्सो मेकिंग ROC दैट वॉज मोर देन 30-35%. But what happened was in 2016, promoter extended loans and invested money in his subsidiary. Subsidiary kya karti thi? Basically, subsidiary was in the business of solar energy. And all six subsidiaries were loss-making in nature. Toh yahan pe do reasons the iske piche. First reason was the company hit the growth ceiling. And second reason was, we think that the company lost the business acumen. Kyunki ek high ROC business se aap ek low ROC business ya fir negative ROC business mein paisa dal rahe ho. And fast forward to today, the business is making ROCs which are there in single digit. So this also happens sometimes when promoters lose interest in the business. Third problem that arises in family-led businesses is that of self-dealing. तो आज alkyl amines और बालाजी amines बहुत ही दोनों एक interesting industry में operate करते हैं. Since the industry is duopoly in nature and बहुत concentrated profit pool है. Along with the fact that this product is annuity in nature. माने बार बार इसकी नीड चाहिए. दिस इज नॉट लाइक कैपेक्स जो एक बार ही होता है, जो आजकल आपके जो ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट प्लेयर्स है उनके साथ हो रहा है कि 10-12 साल में आपका प्रोडक्ट रिप्लेस होता है. यहाँ पे इन प्रोडक्ट की यूसेज ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे है. बोथ ऑफ द प्लेयर्स आर वेरी क्रेडिबल एंड बोथ ऑफ द प्लेयर्स मेक मोर देन 20% रिटर्न्स ऑन कैपिटल. किसी को अगर अमाइंस इंडस्ट्री की वीडियो देखनी है तो हमने एल्काइल अमाइंस को रिसेंटली एनालाइज करा था. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एल्काइल अमाइंस ऑलवेज गेट्स अ वैल्यूएशन दैट इज हायर देन बालाजी अमाइंस. एंड वाई इज इट सो? द सिंपल आंसर लाइज इन सेल्फ डीलिंग. तो बालाजी अमाइंस ने जो CFL बिजनेस है उसके अंदर कैपिटल एलोकेट करा है. प्रमोटर का विजन था होटल बिजनेस का, तो होटल बिजनेस में भी कैपिटल एलोकेट करें. सो दिस इज व्हाट वी कॉल कैपिटल डिवर्सिफिकेशन, कि आप अपने अमाइंस के बिजनेस में से जहां 20-25% ROIC कमाते हैं वहां से आप कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं ऐसे बिजनेसेस में जहां पे आपका ROC सिंगल डिजिट भी नहीं है. एंड मोर ओवर यहां पे क्या हुआ है कि इन्होंने जो सब्सिडियरी लगाई है बाय द नेम ऑफ आई थिंक BSPL, तो जो BSPL के अंदर भी कैपेक्स हो रहा है वहाँ पे भी जो पब्लिकली लिमिटेड कंपनी है उसका फुल होल्डिंग नहीं है. आई थिंक 50-55% ही होल्ड करते हैं. वेदर द रेस्ट ऑफ इट एंड द रेस्ट ऑफ इट इज बीइंग हेल्ड विद द अदर प्रमोटर एंटिटीज. सो दिस इज व्हाट लीड्स टू एजेंसी कॉस्ट इन द बिजनेस. तो जब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, अनदर बिजनेस विच कम्स टू माइंड इज अपोलो हॉस्पिटल्स. आप एक होमवर्क कर सकते हैं जितने भी इन्वेस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल की जो एनुअल रिपोर्ट में जाके एक बारी RTPs चेक कीजिए कि अपोलो हॉस्पिटल अपने कितना ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स अपनी ही जो कंपनीज इनसे रिलेटेड हैं उनसे खरीद रहे हैं. तो अगेन दिस इज सेल्फ डीलिंग. तो सेल्फ डीलिंग प्रॉब्लम डज अराइज इन फैमिली लेड बिजनेसेस. एंड द लास्ट प्रॉब्लम विच अराइज इन फैमिली लेड बिजनेसेस इज दैट ऑफ पुअर सक्सेशन प्लानिंग. So this reminds me of a business by the name of Cupid Limited, which is into female condoms. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इस बिजनेस में, जो ओम प्रकाश करके ही हैज रन द बिजनेस वेरी सॉलिडली एंड इन अ वेरी क्रेडिबल मैनर. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ही हैज रीच द एज ऑफ 76 एंड 2017 और 2016 की कॉन कॉल से ही बात हो रही है कि कोई ना कोई जो मैनेजमेंट प्रोफेशनलाइज करेंगे, एक प्रोफेशनल मैनेजर की सर्च भी कर रहे हैं, बट अभी तक उस पर कोई एक्शन आया नहीं है. सो दिस जस्ट शोज पुअर सक्सेशन प्लानिंग.
बिकॉज टुडे ओम प्रकाश गर्ग इज देयर बट यू नेवर नो इन लाइफ कि क्योंकि बिजनेस इज एन इज अ गोइंग एंटिटी तो वॉट इफ समथिंग हैपन्स टू हिम तो वॉट विल हैपन इज दैट दैट द बिजनेस विल डीरेल क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग इज मिसिंग ओवर देयर सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन फैमिली लेड बिजनेसेस. Coming to the next lesson is that of seven sins of banking. So, a book came out by the name of A Blueprint for Better Banking, which was written by Niels Kronor. So, this book talks about the seven sins that arise in banking. So, the first sin is imprudent asset liability mismatches on the balance sheet. Second one is supporting asset liability mismatches by clients. Third sin is lending to can't pay, won't pay types. Fourth sin is reaching for growth in unfamiliar areas. Fifth sin that is in banking is engaging in off the balance sheet lending. Sixth sin is getting sucked into virtual and vicious cycle dynamics. And the seventh sin is relying on the rear view mirror. So these are the seven sins that are there in banking. तो यहाँ पे हम तीन चार बैंक्स की केस स्टडी करते हैं एंड तीन चार एनबीएफसीज की भी केस स्टडी करते हैं देखने के लिए कि ये कंपनीज ये सातों में से तीन चार सिंस कैसे कर रही थी. तो फर्स्ट कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ इंडसइंड बैंक. तो इन 2018 समवेयर अराउंड 2018 इंडसइंड बैंक गेव अ लिक्विडिटी लोन टू ILNFS 3 months बिफोर द राइट्स इशू. एंड इस लोन में इंडसइंड बैंक ने कितना अमाउंट दिया था? सो द अमाउंट वॉज क्लोज टू 3,000 crores एंड मोर ओवर दिस वॉज एन अनसिक्योर्ड लोन. एंड अगर उस टाइम पे ILNFS की कोई डेट अपॉन इक्विटी रेशियो कोई देखता या उस टाइम पे कोई ILNFS की नेटवर्थ कोई देखता तो पता लगता कि ILNFS की जो डेट अपॉन इक्विटी रेशियो थी दैट वाज राइजिंग सिंस द लास्ट 4 years. तो 2014 में 5.8 थी डेट अपॉन इक्विटी, 2015 में 6.9 थी एंड 2018 में 11.9 के आसपास थी. वेयर एज इफ यू जस्ट लुक एट द नेटवर्थ एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ILNFS तो इन 2018 द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी वॉज अ नेगेटिव 23,000 crores राइट एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज अ नेगेटिव 20,000 crores. सो वॉट दिस शोज अस इज दैट दैट इंडसइंड बैंक लेंट मनी दैट टू अनसिक्योर्ड मनी एंड बेट 8% ऑफ द बैंक्स नेट वर्थ ऑन अ कंपनी दैट वॉज बेसिकली इनसॉल्वेंट. एंड वाई इज दैट सो? The simple answer is fee income and showing the street that we can make good amounts of ROE. Banking business ही ऐसा है जहाँ पे आपको no बोलना आना चाहिए, right? Another company which comes to our mind is that RBL is that of RBL Bank. तो RBL Bank में हमेशा problem क्या रही है कि इनका net interest margin हमेशा 4% के ऊपर दिखा है, but इनके ROAs are always very subpar, 1 to 1.2% के बीच में. Because RBL Bank again is reaching out for growth in unfamiliar areas. Microfinance maybe they are trying to grow. They are trying to grow in unsecured consumer retail. Then they are trying to grow in wholesale retail. Wholesale corporate. So in businesses mein problem kya hoti hai new age bankings mein ki we prefer banks which can actually stick to a niche. Something like your City Union Bank. क्योंकि सिटी यूनियन बैंक MSME लोन्स में एक्सपर्ट है तो वहां पे स्टिक करा. तो RBL बैंक वॉज ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बट डिफरेंशिएशन के चक्कर में क्या हो गया कि ग्रोथ कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गई एंड 2020 का 15% ROE का टारगेट भी दिया था. तो वी एक्चुअली आर वेरी स्केयर्ड ऑफ द बैंक्स विच कीप गिविंग टारगेट्स कि हम 15% ROE कर देंगे, 20% ROE कर देंगे बिकॉज एंड वहां पे इनके प्लान के अंदर दे ऑल्सो गिव टारगेट ऑफ 30-35% ग्रोथ इन लोन बुक. दिस अगेन मेक्स अस अ बिट स्केप्टिकल क्योंकि अगर आप जबरदस्ती ग्रो करना चाहते हो तो आज पैसा लेने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं पर पैसा वापस करने वाले कितने हैं? दिस इज व्हाट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इज इन अ नटशेल. सो कमिंग टू अनदर सेट ऑफ कंपनीज इज दैट इन 2017 अ लॉट ऑफ NBFCs विच वर फोकस्ड ऑन रियल एस्टेट लाइक योर Edelweiss, योर Piramal Enterprises, लाइक योर DHFL, लाइक योर IIFL, ऑल ऑफ दीज कंपनीज वर ग्रोइंग देयर बुक एट अ वेरी रैपिड पेस. एंड रैपिड पेस के अलावा यहाँ पे एक बार हम प्रॉब्लम समझते हैं कि रोल ओवर रिस्क क्या था यहाँ पे, क्योंकि अपने जो लायबिलिटी साइड पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल पेपर के थ्रू अपनी लायबिलिटी साइड को फंड कर रहे थे एंड मोर ओवर जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मार्केट विच वॉज बींग प्रोवाइड बाई म्यूचुअल फंड उससे ज़्यादा अपने आप को काफ़ी फंड कर रहे थे. बट वेन द क्राइसिस केम टू फोर्थ वॉट हैपेंड वॉज एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि जो आपका जो लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड्स है इनका यहाँ पे एकदम जो फंडिंग था कितना घट गया. तो नेट इनफ्लोज डिक्लाइन ड्रास्टिकली बिटवीन 2018 टू 2019. सो व्हाट हैपेंड वाज कि रोल ओवर रिस्क को एक बार समझते हैं. तो रोल ओवर रिस्क का मतलब क्या है कि आपने लोन लिया
एक साल के लिए एंड आपने आगे किसी और को लोन दे दिया 20 साल के लिए। तो हुआ क्या कि पहले साल तो ये चल गया, दूसरे साल जिससे आपने लोन लिया था एक साल का वो आपसे आके कहता है कि मेरे पैसे मेरे को वापस कर दो। बट आप क्या कहते हो, अभी तो पैसे है नहीं, इसको आप रोल ओवर कर दो क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, आप नहीं दोगे तो मैं किसी और से ले लूँगा। तो अगेन वो आपका पैसा रोल ओवर कर देता है, पर आपका जो 20 साल का लोन है वो तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो अभी आपने बस एक साल के लोन को रोल ओवर कराया अगले साल तक। बट अगले साल अब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रंच आ गया, एनवायरमेंट ऑल ऑफ अ सडन चेंज्ड। सो व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज कि इस बारी जब वो आपके पास आया, आपने उसको बोला कि यार अगले साल मुझसे ले लियो पैसे, बट ही सेज कि नहीं, इस बारी मैं अगले साल नहीं लूंगा, इस बारी मेरे को इसी साल चाहिए। सो दिस इज व्हाट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन एनबीएफसीज। तो काफी बारी एनबीएफसीज के क्राइसिस इसी वजह से होते हैं। सो 20 ईयर का क्या आपने लोन दे रखा है, बट वेयर एज आपने पीछे से कमर्शियल पेपर उठा रखे हैं, दैट इज कमर्शियल मार्केट से मनी ले रखा है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे आपने बोरोइंग्स कर रखी है। सो दिस इज व्हाट लीड्स टू क्राइसिस। तो Edelweiss की भी मैनेजमेंट आजकल क्या बातें कर रही है, दैट वी आर श्रिंकिंग द बैलेंस शीट। जब ये एनबीएफसी अपनी बैलेंस शीट श्रिंक करने लग जाए, दैट इज बेसिकली दैट वी आर रीचिंग टू द बॉटम ऑफ द साइकिल। बट आई स्टिल डू नॉट हैव एनी व्यूज ऑन एनबीएफसीज विच आर प्रीडोमिनेंटली फोकस ऑन द रियल एस्टेट साइड, बिकॉज यहाँ पे अभी पता नहीं है कि कितना रिस्क आएगा एंड कितने एनपीएस बनेंगे। जैसे पिरामल के एग्जाम्पल में क्या है कि पिरामल हैज लेंट क्लोज टू 14-15% ऑफ इज नेटवर्थ टू वन बिल्डर। अब एक अगर ये एक सिंपल बिल्डर कोलैप्स करता है तो 14-15% ऑफ योर नेटवर्थ गोज अवे। एंड सिंस दीज बिजनेसेस आर लेवरेज्ड, माने अगर इस बिजनेस ने 10-20 टाइम्स का लेवरेज ले रखा है, वैसे पिरामल ने नहीं ले रखा, आई थिंक 1-2 या 2-3 टाइम्स का ही उन्होंने डी लेवरेज भी करा है। पर जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर कोई एनबीएफसी बहुत ज्यादा लेवरेज्ड है, अगर एक एनबीएफसी 10 टाइम्स लेवरेज्ड है एंड अगर उसका जीएनपी या एनएनपी 10% पहुंच जाता है, तो नेटवर्थ को वाइप ऑफ होते हुए देरी नहीं लगती, सिंस दीज आर लेवरेज्ड एंटिटीज। सो दिस इज व्हाई इन बैंकिंग एंड एनबीएफसीज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो देयर इज अ सेइंग बाय द मेडिची फैमिली। तो मेडिची फैमिली वॉज देयर इन इटली एंड दीज वर द फर्स्ट गाइज हु रैन अ बैंकिंग फ्रेंचाइज वेरी वेरी सक्सेसफुली। तो उन्होंने अपना जो बिजनेस हिस्ट्री था बैंकिंग के ऊपर बनाया है। सो आई थिंक दीज वर द फर्स्ट प्रोफेशनली रन बैंक्स एंड इनका एक ही सजेशन था, दैट स्मॉल इज ब्यूटिफुल इन बैंकिंग। तो हमारा भी यही सजेशन है, दैट स्मॉल इज ब्यूटिफुल इन बैंकिंग। सो दिस इज वॉट द फोर्थ लेसन इन द बुक इज। Now the last lesson that is there in the book, the similarities between the Chinese PSUs and the Indian PSUs. Let's compare the Chinese PSUs with the Indian PSUs. तो कैपिटल रिटर्न्स बुक के अंदर काफी सारे चाइनीज पीएसयूज का एग्जांपल है, बट हम सिमिलैरिटीज इंडियन पीएसयूज के साथ भी काफी ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। तो कमिंग टू चाइनीज पीएसयूज, सो देयर इज वन कंपनी बाय द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ICBC। नाउ वहां पे जब बुक में एग्जांपल दिया था तो इनका आरओए 1.4% था, वेयरएज इनका लेवरेज वॉज 15 टाइम्स। क्योंकि लेवरेज 15 टाइम्स है इसलिए आरओई 20% के आसपास थी। एंड मोर ओवर यहाँ पे अगर हम इनका रिटर्न देखें लास्ट डेकेड में, दैट इज 0% फॉर ICBC, बैंक ऑफ चाइना इज -1%, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक इज 0% एंड चाइना एग्रीकल्चर बैंक इज 0%। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम अराइजेज इन बैंकिंग ऑफ इन पीएसयू बैंक्स इन चाइना और वेदर देर आर इन इंडिया और वेदर देर आर इन ब्राजील इज दैट द प्रॉब्लम ऑफ इंसेंटिव्स। What happens in developing nations is कि यहाँ पे systemic corruption हो जाता है कभी कभी। And moreover अगर हम frauds देखें तो Indian PSU system में तो frauds आए ही रहे हैं, पर Chinese PSU system में भी बहुत ज़्यादा frauds हैं। And more अगर हम Brazil की बात करें तो जो Brazil का PSU banking system is basically fraud। तो यहाँ पे problem क्या है कि incentive नहीं है, जो आपकी management है उसके बाद shareholder का incentive नहीं है। जो भी डेवलपिंग नेशंस है यहाँ पे पीएसयू बैंक्स, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, दे हैव बीन ऑलवेज ट्रेडिंग बिलो देयर प्राइस बाय बुक मल्टीपल्स, बिलो 1x इन लास्ट 10-12 इयर्स। अभी जो रिसेंटली बैड बॉय बिलियनियर्स करके डॉक्यूमेंट्री आई थी नेटफ्लिक्स की, तो मैं आप सबको अर्ज करूंगा आप वो डॉक्यूमेंट्री देखिए, क्योंकि एक रिसेंट केस स्टडी है हमारे सामने जो हमें इन्वेस्टिंग जर्नी में काफी हेल्प कर सकती है। तो जो PNB का फ्रॉड हुआ था, Who could have imagined कि दो लोग इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं, that too in a branch, in Mumbai, एक सिंगल ब्रांच से इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है $1.8 billion का। तो ये सारी चीजें एक्चुअली मेक अस रियलाइज कि वी डू नॉट एक्चुअली नो कि एक PSU बैंक की बुक के अंदर क्या है। तो वी कीप ऑन सेइंग कि इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स अ चीपर प्राइस बाय बुक एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज एक्सपेंसिव इन अ वे,
क्योंकि बुक अगर बुक के अंदर ही इतनी ज़्यादा गड़बड़ है तो जितना भी सस्ता प्राइस ले लो डैट विल रिमेन एन इटर्नल वैल्यू ट्रैप। तो यहाँ पे अगर हम कुछ इंडियन PSUs देखते हैं तो एक बार उनका लास्ट 10 ईयर का केकर देखते हैं। सो देर इज अ बैंक ऑफ बड़ौदा विच इज गिवन अ -14%, पंजाब नेशनल बैंक -20%, कैनरा बैंक इज -17%, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गिवन अ केकर ऑफ -5%। अगेन प्रॉब्लम ऑफ इंसेंटिव्स, जितना भी आप इनका अकाउंट्स देख लो या जितना भी बुक देख लो आपको प्रॉब्लम उस टाइम पे रियलाइज नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम हमेशा एकदम बाहर आ जाएगी लाइक अ ब्लैक स्वान इवेंट। सो दिस इज वाई वी अवॉइड इन्वेस्टिंग इन PSU बैंक्स ऑल टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक ही दिन फ्रॉड आएगा एंड द स्टॉक विल गो डाउन बाय 40-50%, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडिंग एट वेरी वेरी चीप मल्टीपल्स विच माइट बी एक्सपेंसिव एक्चुअली। सो गाइज दिस वॉज द बुक रिव्यू ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड कैपिटल रिटर्न्स, एंड हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनसे ये लर्निंग्स लिए। आई वुड हाईली अर्ज यू टू रीड दिस बुक। सो इन्वेस्टर्स थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड इन समरी आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू शुड लुक फॉर बिजनेसेस वेयर प्रॉफिट पूल इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू, राइट, और वेयर द इंडस्ट्री इज कंसोलिडेटिंग विच कैन कीप मेकिंग सस्टेनेबल ROCEs, बिकॉज दैट इज वॉट द एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म इज एंड दैट इज वॉट द एसेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इज। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो वी विल बी ऑल्सो कमिंग आउट विद द ब्लॉग ऑन कैपिटल रिटर्न्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज वेल, एंड वी हैव ऑल्सो मेड अ पॉडकास्ट विच विल गिव एन एग्जाम्पल कि कौन सी इंडस्ट्री में अभी कैपिटल साइकिल प्ले आउट कर रही है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।